दोस्तों, आपके जानकारी के लिए आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल जो था, ये हमारी वाइफ का था, नेहा की रसोई के नाम से था। तो दोस्तों, अब जो है इस चैनल को मैं हैंडल कर रहा हूँ, जो कि वो हमारी वाइफ थी। फिलहाल मैं सहमति से ये हैंडल कर रहा हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का ये मेरा पहला वीडियो जो है, ये पहला जो डिश है वो मैं बनाऊंगा, अपने हाथ से बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और जो है इसके बारे में जानकारी लीजिए और पूरा आनंद उठाइए इस वीडियो का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज फिर से एक नया डिश लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, हर दिन एक नया डिश लेकर आता रहूंगा मैं, तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए, बिना किसी टाइम खर्च किए ही मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। चलिए, कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया हूँ। कढ़ाई को गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें जाएगा सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद, थोड़ा सा गर्म होने के बाद, मैं जो है सोयाबीन लूंगा। सोयाबीन को मैं गर्म पानी में इसको भिगो दिया था। गर्म पानी में भिगोने से क्या होता है, इसका मसाला और ऑयल इसके अंदर तक चला जाता है। तो अब ये देखो, इसमें ये गया सोयाबीन। इसको तलूंगा, इसको तलूंगा इसलिए कि इसके पूरे अंदर तक ऑयल चला जाता है, तेल इसके अंदर तक चला जाएगा, इसका स्वाद और बढ़ जाता है। अच्छे तरीके से देखिए, टेस्ट इसका इतना टेस्टी सब्जी होगा। आप केवल बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि ये देखिए, ये मेरा पूरा देखिए ऑयल सोख लिया है, सारा इसी में सोख लिया है, अंदर तक ऑयल गया हुआ है। सब्जी देखिए हर कोई बनाता है, बस उसका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये देखिए, इसमें गया थोड़ा सा तेल सब्जी बनाने के लिए। और ये लिया हूँ मेथी, थोड़ा तड़का लगा के सा मेथी है, आधा चम्मच इसको जो लगभग, है क्योंकि सब्जी ये को स्वाद जो है चेंज कर देता है सब्जी का, बहुत अच्छा होता है। तो अब ये थोड़ा सा देखिए हो गया है मेरा मेथी। अब इसमें जो है, बढ़िया से मैं देखिए, ये जो मैं सोयाबीन लिया था इसको देखिए तला हूँ। ये देखिए, इसको देखिए मैं दबा के दिखा रहा हूँ, पूरा अंदर तक इसके जो है पूरा तेल पड़ गया ऑयल चला गया है और बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, ये लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट है। मिर्ची का अब पेस्ट। इसको मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूंगा। ये गया लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट। अब इसमें देखिए, थोड़ी देर केवल कलर चेंज होने तक मैं चेंज करूंगा। बस कलर चेंज हो जाए, बस उसके बाद मैं दूसरा काम अपना करूंगा, जिससे कि जो हमारी सब्जी बन रही है थोड़ा जल्दी हो जाए, आप लोगों को भी आसान हो जाए। जल्दी से आप लोग ये स्टेप बाय बारीक स्टेप कटा देख हुआ है लीजिए। इसमें तो ये देखिए, मिर्ची बारीक डाल कटा दिया हुआ है, प्याज है, बारीक मिर्ची कटा हुआ डाल दिया प्याज है। लेना है। ये गया इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसको मैं कलर चेंज होने तक इसको जो है भूनूंगा। बस 1-2 मिनट में कलर चेंज हो जाएगा, ज्यादा इसको भूनना नहीं है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए इसका। बस देखिए, ये कलर चेंज हो गया है। अब ये देखिए, मैं जो तला था सोयाबीन उसको लिया हूँ, सोयाबीन इसमें डाल के तलूंगा। देखिए, सब्जी का टेस्ट लाने के लिए सब्जी स्टेप बाय स्टेप कब और किस समय क्या चीज डालना है, सबसे मायने ये रखता है। अगर आप ये जान लिए हैं कि कब कौन सा चीज डालना है, तब तो सब्जी बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। ये देखिए, मटर मैं थोड़ा सा ले लिया हूँ, मटर इसको जो है इसमें डाल दिया हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है सोया मसाला। तो सोया मसाला बनाने के लिए लगभग आइटम जरूरी होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा जो है किसी चीज की कमी हो सकती है। फिलहाल देखिए, इसमें एकदम सिंपल सी सब्जी बन रहा है, इसमें कोई अलग से कोई मसाला नहीं है। और ये देखिए, बारीक कटा हुआ टमाटर है। टमाटर मैं 2 टमाटर बड़ा बड़ा ले लिया था। ये गया इसमें टमाटर। आप देखिए, बहुत सिंपल सी सब्जी बना रहा हूँ, कोई अलग से इसमें ना अलग से कोई मसाला है ना कुछ है, लेकिन बस स्टेप बाय स्टेप किस समय क्या चीज को डालना है, बस इस पे आप लोग ध्यान रखिए। बस
ये देखिए आलू भी, बारीक कटा हुआ आलू भी लिया हूँ, बारीक कटा हुआ आलू इसमें डालूंगा। तो इसको जो है मैं इसी तरीके से काटा हूँ, क्योंकि मोटा मोटा काट दूंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इस तरीके से काट के इसको जो है इसको भी भूनूंगा इसमें। और देखिए भुन गया है, अब इसमें हल्दी पाउडर लूंगा छोटा एक चम्मच। आप देखते जाइए सब्जी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। एक चम्मच धनिया का पाउडर है, धनिया का पाउडर एक चम्मच है, थोड़ा सा और डाल दिया हूँ। देखते जाइए, ये गरम मसाला है, सब्जी गरम मसाला है, कोई अलग सा मसाला नहीं है, ये जो है राजेश पीसा मसाला है। अब इसमें देखिए मैं डाल दिया हूँ, अब इसको थोड़ा चलाऊंगा, दो तीन मिनट के लिए चलाऊंगा इसको। इसको आप देखते जाइए, क्योंकि सब्जी जो है, सब्जी का मेन होता है कि मसाला अच्छे तरीके से भुना जाए। तो उतना देर में चलाने के बाद, चार पाँच मिनट के लिए ढक दिया था, ढकने के बाद अब देखिए मैं खोल रहा हूँ, इसका कलर देखिए चेंज हुआ है, कितना खूबसूरत हुआ है। इसमें नमक डालूंगा, नमक स्वादानुसार आप डाल सकते हैं। इसमें देखिए नमक डाल के मैं जो है इसको अच्छे तरीके से चलाऊंगा। अब इसको देखते जाइए, ये बहुत अच्छे तरीके से ये जो है मसाला मेरा हो गया है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा। आप ग्रेवी कितना करना चाहते हैं आपके ऊपर है। फिलहाल अगर सोया मसाला बनाना है तो आपको ग्रेवी इतना डालना है कि जिससे सब्जी पकने के बाद जो है मसाला उसी में सारा लिपट जाए। तो ये मेरा देखो इसी तरीके से होगा। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक दूंगा मीडियम आंच पे। अब देखिए मैं इसको, ये देखिए सोया मसाला बनके तैयार हो गया है मेरा एकदम। इसमें देखिए पानी भी नहीं बचा है कुछ, जितना डाला था उतने में देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत सब्जी बनके तैयार हो गया है। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है, बिना किसी एक्स्ट्रा मसाले के। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।